सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में लिंग पाठ पढ़ा और इस पाठ के अभ्यास कार्य को किया। तो आइए आज हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करें। प्रश्न संख्या एक, लिंग किसे कहते हैं? बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के वह रूप जिससे यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग, दूसरा प्रश्न है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर होगा, लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग दो प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भाग हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है बच्चों? पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। वह शब्द जिसे यह पता चले यह पुरुष जाति का है तो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का, पापा, नाना, तोता आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दादी, लड़की, नदी, मम्मी आदि। तो इस प्रकार से आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।